गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास फर्स्ट का मॉडल साइंस पढ़ेंगे, पांच टेन, जिसका नाम है एकता में बल। बच्चों, एकता में बहुत ही बल होती है, बहुत ही ताकत होती है, क्योंकि एकता होता है एक साथ मिलके रहना, एक साथ काम करना। तो बच्चों, किसी गांव में एक बहुत ही बूढ़ा किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। वो बहुत अच्छे से, उनके चारों बेटे खेत में काम करते थे और उनका घर बहुत हंसी खुशी से रहता था और उनके घर में बहुत खुशहाली रहती थी। इसी तरह उनका दिन समय बीतता गया। उस एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो पिता थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। जब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ सभी एक एक लकड़ी लेकर आओ। चारों बेटे एक एक लकड़ियाँ ले आए, चार लकड़ी हुई। तो फिर बड़े बेटे से उनके पिता ने कहा कि आप तुम इस चारों लकड़ियों को एक साथ गट्ठर बना दो। तो बड़ा बेटा ने वैसे किया जैसे उनके पिताजी ने आदेश दिया। अब उस गट्ठर को बांध दिया, लकड़ी को बांध दिया। अब बड़े बेटे को कहा अब उसको तोड़ो। अब बच्चों, जब चार लकड़ियाँ एक साथ होती हैं तो उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई पहलवान नहीं तोड़ सकता। तो फिर उस बड़े बेटे से नहीं टूटा। फिर उन्होंने कहा दूसरे बेटे को, इसी तरह चारों बेटों ने चारों अपने अपने जोर लगाया, बल लगाया और उसको तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा। फिर किस उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि आप सभी गट्ठर को खोलो और एक एक लकड़ी अपना अपना ले लो। ऐसे चारों लड़के अपनी अपनी लकड़ियाँ ले लिया। अब पिताजी ने कहा कि आप इसको तोड़ो। अब बच्चों, एक लकड़ी रहेगी तो वो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन चार लकड़ी एक साथ नहीं टूटेगी। और चारों बेटों ने एक ही बार में लकड़ी को तोड़ दिया। तो लड़कों को समझ में नहीं आया कि पिताजी ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से हमको, क्या वो समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अपने बेटों को बताया कि देखो बेटो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं कब चला जाऊँगा मुझे खबर नहीं है, लेकिन मेरी बात एक गांठ बांध लो, दिमाग में बैठा लो कि एकता में बहुत बल होती है। जिस प्रकार चार लकड़ियों को कोई तोड़ नहीं सका, ठीक उसी प्रकार आप चार भाई हो और चारों भाई मिल के रहना, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब आप अलग अलग रहोगे, एक दूसरे से बोलोगे नहीं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखोगे, तो आपको कोई भी कहीं भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बेटो लोग, आप ऐसा करना, जीवन में कुछ भी हो जाए एकता हमेशा बनाए रखना, क्योंकि एकता में सबसे बड़ा बल होता है, सबसे ज़्यादा ताकत होता है और एकता में ही सबसे ज़्यादा प्यार भी होता है। बच्चों, एक साथ मिल के रहना जितना खुशी महसूस होती है, उतना अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा जहाँ भी रहें, स्कूल में रहें, सबसे एकता बना के रहें, सबसे मेल बना के रहें और अपने घर भी सबसे प्रेम से रहें, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। तो आए समझ में ना मेरे प्यारे बच्चों, आप भी हमेशा ऐसा